ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सनम जो है वो अपनी माँ को समझाती है कि आप प्लीज़ पुरानी बातें भूल जाएं और मैं जो हूँ वो शादी करूँगी तो वलीद से ही शादी करूँगी। मुझे पता है कि पोपो जो भी बोल के गई हैं वो सच नहीं है, वो अपने से ही बातें बना कर गई हैं। ऐसा कुछ भी होता तो जमाल भाई खुद आकर हमें बताते। पोपो को वो उन्होंने किसी और मकसद के लिए भेजा था क्योंकि मेरी बात हुई है वलीद से और पोपो जो है वो इधर आकर अपने से ही कुछ बातें बना बना कर हमें बताती रही हैं। जिस पर सनम की माँ भी बोलेगी कि हाँ मुझे भी कुछ इसी तरह ही लग रहा है। सनम की माँ जो है वो रिश्ते के लिए हाँ कर देगी और अज़रा को फ़ोन करके कहेगी कि हम रिश्ते के लिए राज़ी हैं और तुम लोग आ जाओ रिश्ते लेने के लिए सनम का, और मिल बैठ कर जो है वो रिश्ते की डेट भी तय कर लेते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अज़रा को जब फ़ोन आती है सनम की माँ की तो अज़रा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो फौरन जमाल को दुकान से वापस बुला लेती है और जमाल भी भागता भागता वापस आ जाता है और सारे जो है वो तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं सनम के घर जाने के लिए। और ये ख़बर जो है जैसे ही पोपो को मिलती है तो पोपो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और सायरा से कहती है कि मैंने कोई मौका जाने नहीं दिया कि इन दोनों का शादी जो है वो मैं तोड़वा सकूं और उधर जाकर मैंने ऐसी बातें की हैं। अगर कोई और माँ होती तो वो अपनी बेटी की कभी भी शादी वलीद से ना करवाती। तो ये एक ऐसी माँ है कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी ये अपनी बेटी की शादी जो है वो वलीद के साथ करवा रही है। उसी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा सायरा को जो है वो असमा तनख्वाह देगी और सायरा जो है बहुत ज़्यादा जो है वो जेलस होगी कि ये जो है उसने मुझे अपना नौकर समझ के रखा हुआ है और ये जो है वो मुझे जो है वो सैलरी दे रही है सबके सामने। और घर आकर जो है पप्पू को बोलेगी अपनी माँ को कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मालिक होंगी और ये मेरे नौकर होंगे और फिर देखना कि मैं इनके साथ कैसे सलूक करती हूँ। जिस पर पप्पू बोलेगी कि मालकिन बनने की कोई प्लानिंग भी तुमने की है या सारी प्लानिंग मैं ही करूँ। जिस पर सायरा बोलेगी कि मैंने तो दिमाग चलता ही नहीं है, आप ही कुछ सोचें कि हमने इस घर का मालिक किस तरह बनना है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो नासिर है वो असमा से कहेगा कि मुझे लगता है कि वासिफ और फरद के दरमियान कोई गलतफहमी चल रही है और इन दोनों का के दरमियान जो है वो कोई ना कोई जो है वो बात हो रही है क्योंकि मैंने देखा है कि वासिफ को असमा फरद के ऊपर गुस्सा करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई जो है वो गलतफहमी चली हुई है। जैसे कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी थी, अब इनके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है क्योंकि मैंने वासिफ को देखा है झगड़ा करते हुए फरद के साथ। जिस पर असमा भी बोलेगी हाँ इन दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और ये दोनों जो हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ते रहते हैं। बहरहाल नासिर जो है वो कहेगा कि हमें ये सारी बातें जो हैं वो जमाल भाई से करनी चाहिए और वही इन दोनों को जो है वो समझा सकते हैं और वही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ सीन दिखाए जाएंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।